بالحب تلقاك البدور ضيف الاماني والسرور فيك العطايا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماو اور بہنو آج کا جو اہم پروگرام टॉपिक के लिहाज़ से सिलसिले क़लीमे की सीरीज़ में अस्सादा के वान पर है लफ्ज़ सादा सईद से निकला है और इसका मतलब है ख़ुशबी और इसका ऑपोजिट माना है शकी और इसका मतलब है बदबती खुशकिस्मती बदकस्मती या खुशबती या बदबती इस सिलसिले में अल्लाह ने तबारको तरह में चंद आयतों में कलाम फरमाया है जिसके अंदर शकी और उसका किरदार सीद और उसका किरदार इस सिलसिले में गुफ्तु की है मैं पहले इन आयत का तर्जुमा मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आगे की जो बातें हैं वो अच्छी तरह जहन में बैठे के फ़रमाया कि योम तिला इल्ला अला वो कियामत का दिन ऐसा दिन होगा जो तमाम इंसानियत थर्रा के रह जाएगी किसी के पास ये ताकत व ज़रात नहीं होगी कि वो रब्बुलम से कलाम कर सके हाँ अज़्न जिसको अल्लाह तबारक तआला इजाज़त दे वो बात कर सकेगा तो अल्लाह कहता है कि उस वक्त दो ग्रोह बन जाएंगे दो लोग दो कैटेगरी फरमाया फ़मिनहुम हम व वसदम एक कैटेगरी तो वो होगी जो शकी की होगी बदबख्त लोगों की होगी और एक कैटेगरी वो होगी जो नेक वक्त लोगों की होगी सईद की होगी फिर फरमाया कि फ़ाली शक़ुफ़ व फिनार लहुम फ़ीहाफ़ीरू व शहीक़ रहे वो लोग जो बदबख्त होंगे उनके लिए तो ठिकाना आग का होगा और वो पूरे जोर पे होगी उस वक्त जहन्नम फमिनहुम शकीय व सईद फ़म्म लदीन शक़ुफ़ व लहुम फिया हाँ जफी व शहीक उसकी चिंगार और उसके जज्बात और उसकी आग यह दरअसल देखने की होगी वो कोई अलग से मादी और पत्थर की या आग को जिस तरह आप बेहिस समझते हैं ऐसी नहीं होगी जहन्नम एहसास वाली एक मखलूक है वो गुनहगारों को देखकर कर मारेगी चिघाड़ेगी दूसरी जगह फरमाया कि तकमैमिन जहन्नम अपने गैज़ व गज़ब से उस दिन ऐसे होगी गोया कि फट पड़ने वाली हो तो उसे भी गुस्सा आ रहा होगा बदबक वो हैं जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया फिर भी नाफ़रमानी किए और जहन्नम के मुस्त बने तो वो चिंगाड़ रही होगी जिस तरह क्या है शेर की आवाज़ में चंगाड़पन होता है बे नहीं उसी तरह वो भी अपनी आवाजें निकाल रही होगी और जहन्नमियों को खींच के ले जाया जाएगा तो वो कहेगी कि लाओ 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 जगह है जगह है लाओ डालो इसमें तो ये जहन्नम की कैफियत है ये शकी लोगों के लिए है ये बदबक लोगों के लिए है ये जहन्नमी है फरमाया खालिदी समावात वल आदात अभी ये जहन्नम में पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे यहाँ तक के जो उस वक्त तक पड़े रहेंगे जब तक कि ज़मीन और आसमान कायम है यानी ये महावरा है अरब का किसी को अबदी और हमेशगी के लिए कहना होता तो अरब कहते थे कि उस वक्त तक रहो जब तक कि क्या है ज़मीन आसमान कायम है मतलब यहाँ पर कभी नहीं निकलेंगे ज़मीन आसमान कभी नहीं टूटेगा एक मरतबा यामत के सूर फूंकने के बाद दूसरे सूर के दरमियान ज़मीन आसमान तब्दील होगा इसका इशारा तो हमें मिलता है सुर इब्राहिम में यौमा अर्द, अर्द वस समावत इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से और इस आसमान को दूसरे आसमान से हम तब्दील कर देंगे लेकिन फिर वो जो ज़मीन और आसमान कायम होगा ना वो आसमान और ज़मीन को फिर फना नहीं है वो हमेशा रहेगा तो फरमाया वो पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे मा दामत इस समावत माशा रब्ला तबार को व ताला जब चक चाहे यानी मतलब यह या है कि कभी नहीं निकाले जाएंगे इन रब फ़आलमा यद के तेरा रब वाक़ता बड़ा ही ज़बरदस्त है जो चाहता है कर गुज़रता है फ़ाल है अब ये तो शकी ग्रुप जहन्नमी ग्रुप बदबक ग्रुप इसका हाल बयान कर दिया अब इसके बाद दूसरा ग्रुप वो सईद नेक बख्त जन्नती ग्रुप फरमाया कि वह अमदीन सीदुल जन्न ये रहे वो लोग जो खुद खुशबकत हैं जन्नती हैं सीद लोग हैं तो ये जन्नत में रहेंगे खालिदी फी मतुलरदा माशाबुक और उसमें वो हमेश हमेश रहेंगे यहाँ तक कि जब तक कि ज़मीन आसमान कायम है उतर अरब चाहे यानी इसमें से भी वो हमेशा नहीं निकलेगी वहीं रहेगी अकॉान गैर मजदूज और अल्लाह उन्हें अता करेगा देगा 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 ऐसा देगा कि उसके देने में रुकावट पैदा नहीं होगी गैर मजदूज वो कभी रुकाएगा नहीं उसकी अता कभी खड़ेगी नहीं देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा अभी इन आयात के तर्जुमे के तहत दो ग्रोह हैं पूरे दो ग्रोह हैं एक शकी है जहन्नमी है बदबख्त है दूसरा सीद है जन्नती है खुशबخت है नहीं? अब इसकी निशानी क्या है शकी कौन है सीद कौन है सादा किसे मिलती है शकावा किसे मिलती है क्यों जहन्नमी बना इसका काज क्या है निशानी क्या है ये सबसे अहम पॉइंट है आज के लिहाज से जो मुझे समझानी है क्योंकि मुबारक की आमद थी लोग आए सुने समझे कल हमारे लिए ख़त्म की रात थी हो गया मसला ख़त्म वाक़ता बात क्या है जितना भी बोलो जितना भी कहो अपनी रविश से तो इंसान हटता नहीं तो देख लीजिए आज क्या है मामला कैसे खैर मसला अब इस हैसी से बड़ा नाजुक हो जाता है जो कि आए हिदायत को ठुकरा देना शकावत की सबसे पहली निशानी है और शादत की पहली निशानी यह है कि आए हिदायत को ढूंढ के जब एक मरतबा कबूल कर लो तो फिर इसको कभी ना छोड़ो ये शदत है दूसरी तर, तरफ शकावत है जो सामने तुम्हारे लिए हिदायत आ जाए आ जाने के बावजूद भी तुम उसको ठुकरा दो या अपनाने के बावजूद भी फिर छोड़ दो ये शकावत है ये बदबकती है यह जहन्नमी ग्रोह की निशानी है मुबारक की आमद थी लोग बने सुने अब शकावत और शदत को देखना है तो यूं देखो कि अगर वह रमजानल मुबारक के बाद भी वही नेकियों पे कायम रहता है तो वो सईद है वो ठुकरा के लात मारता है तो वो शकी जहन्नमी है बदबख्त। अभी इसको मिसाल के जरिए समझो अबू बकर सईद है जन्नती हैं खुशबख्त हैं अबू लहब अबू लहब शकी है बदबख्त है जहन्नमी है इसमें कोई शक है किसी को किसी को कोई शक नहीं है इस तनाजर में अब देखो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अबू लहब ख़ानदानी रिश्ते से चचा था पैदाइश के खुशी में उसने एक लौंडी को भी आजाद किया बाज रिवायतों में मिलता है उतना चाहता था रसूल को और था भी कराबतदार और था भी बनू हाशिम के अंदर और था भी बाप का बड़ा भाई होने के नाते अच्छा उसके साथ साथ पड़ोसी भी था अच्छा दावत इस्लाम अब आई अबू बकर न पड़ोसी थे न बनो हाशिम में थे दूर थे कबीले में भी नहीं थे लेकिन जब ये शदत उतरी हिदायत उतरी क़ुरान नाजिल हुआ नबूवत हासिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया इसको तो सामने हिदायत आने के बावजूद भी बाकायदा अबू लहब चचा होने के ठुकराया बदब्तरीन बना उसके नाम से एक सूरा बनी और अल्लाह ने उसके मरने से तकरीबन पंद्रह साल पहले सूर् लहब को नाजिल करके रख दिया कि यह जहन्नमी है तब्बत यदा अबी लहब व तब माँ अगना अनहू मालू व मा कसब सैसा नारा तहब वम रु हम लब फी जी दिहा हबल पूरी सूरा किसी दुश्मन का अल्लाह ने नाम नहीं लिया अल्लाह के रसूल के दुश्मनों में सिवाय अबू लहब के ये इतना बदबरीन है अबू जेल का भी नाम नहीं आया नाम किसी का लेके अल्लाह ने जहन्नमी करार दिया तो वो अबू लहब है कहा कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब अबू लहब के हाथ टूटे और वो बर्बाद हो हलाक हो माग ना अनहुमा लहू व मा कसब ना उसका माल ही उसे जहन्नम में कुछ काम आएगा ना उसकी कमाई सैसला नारंग लहब भड़कती हुई आग शोले में दाखिल होगा जहन्नम के अंदर वमरा तो वो खुद नहीं उसकी बीवी भी साथ में मालत अल हतब जो कि लकड़ियां उठाए उठाए फिरती थी फीजी दिया में मसद और उसके गले के अंदर मूंज की रस्सी होगी यह पूरी सूरत गोया कि उस फैमिली पर जबरदस्त रिमार्क है क़ियात तक के लिए है क्यों आई हिदायत को ठुकराया सबसे पहले जो आगे बढ़ना था वही सबसे पहले नंबर एक दुश्मन बना अल्लाह के रसूल को सबसे बेहतर जानने वाला यह बदबक था लेकिन अपनी मनमानी ख्वाहिशात की वजह से नहीं माना इसी वजह से खुल के कहता था कभी कभी मोहम्मद मैं तुझे तो झूठा नहीं समझता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तेरी बात पे मेरा दिल जमता नहीं है तो साफ मानता था कि झूठ तो मैं नहीं कह सकता तुम्हारे अखलाक तुम्हारे आदात तुम्हारे अतवार तुम्हारी जिंदगी मेरे आंखों के सामने गुजरी है ऐसा बा अखलाक इंसान मैंने नहीं देखा तो झूठ आप कैसे बोल सकते हैं लेकिन मेरा दिल जमता नहीं है कि मैं तेरी इतात करूं तू छोटा है मैं बड़ा हूं मैं कैसे मान लू तुझको रसूल यह बात मेरे दिल में आती नहीं जमती नहीं अपनी शहवानी अपनी हैवानी ख्वाहिशात अपनी इंसानी ख्वाहिश अपनी अना इसके आगे आई हिदायत को ठुकराया तो शकी बना और जहन्नमी बना इसके बिल्कुल बरअस दूर थे लेकिन पहले इंसान हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल से सुना कि मैं रसूल हूँ तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मुझे पहले ही मैं इंतज़ार में था कि इस उम्मत के रसूल आपको होना है इसीलिए के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जिस किसी पर भी दावत को पेश किया उसने कुछ न कुछ तो पस किया कुछ न कुछ तो कुछ देर के लिए बातें बनाई कुछ देर मांगा सोचने का वक्त दो बोला कुछ न कुछ तो किया लेकिन सिवाय अबू बकर मैं जैसे ही पेश किया एक लफ्ज भी अदा किए बगैर उन्होंने कहा कि मैं शहादत देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं तो शहादत इनके हिस्से में ऐसी आई कि अंबिया का अख्ताम हो गया अंबिया के अख्ताम होने के बाद अगर कोई इंसानियत में सबसे बेहतरीन इंसान है तो वो सिद्दीक अकबर है जिनके लिए अल्लाह तबारा व तआला ने जन्नत की बशारत दी उसी तरह कुरान के अंदर जिस तरह इसको जहन्नम की बशारत दी ये भी किसी और सहाबी का क्या है वो मुकाम नहीं है जिसको बाकायदा अलग से जन्नत की बशारत दी हो ये सिद्दीक अकबर के लिए मौजूद था कि अल्लाह तबारा व तआला ने सिद्दीक़ अकबर को ख़िताब करके फरमाया وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يا صديقي أكبر رحمة वसई जन्नबूहल अत करीब ये सिद्दीक जो तकवे के मार पे सबसे आला है और युति मालहू ये तजक अपने आप की पाकी और माल की पाकी ऐसे है कि लुटाते 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 सब कुछ लुटा दिया हत्ता के घर में कोई एक सुई बाकी नहीं रखी वो भी ला के अल्लाह के रसूल पे लुटा दिया ऐसा दिया है उन्होंने यहां से मंजर में सिद्दीक हैं सूरतुल्ल के अंदर युवती मालम हु ये तज़क्का देते रहे देते रहे देते रहे शायर को कहना पड़ा के परवाने को चराग तो बुलबुल बुल को फूल बस सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस परवाना तो क्या लाइट के पीछे फिरता है और जल के भी मर जाता है आखिरकार उसे रोशनी उतनी पसंद है बुलबुल फूल बुल के पीछे फिरता है वो फूल का दीवाना है तो शायर ने कहा कि परवाने को चराख तो बुलबुल बुल को फूल बस जिस तरह परवाने के लिए रोशनी और बुलबुल बुल के लिए फूल है बस वो रहे तो उसके लिए काफी है उसी तरह सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस सब ला के घर का सामान उढ़ेल दिया पूछा तो कहा कि अल्लाह और इसका रसूल का नाम बाकी है बस मुझे उतना काफी है मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए बस इतनी चीज बस है मेरी ख्वाहिश है कि मेरा खानदान लुट जाए रसूल पर मैं ही क्या मेरा पूरा खानदान लुट जाए अपनी बेटी छः साल बेटी को अल्लाह के रसूल ने मांगा तो कहा कि अल्लाह के रसूल आज तक मैंने आपके लिए कोई चीज ना ना की ना ना की मेरी तो शदीद ख्वाहिश है कि मेरी बेटी भी आपकी बीवी पर छह कोई तस्वर करे छह साल की बेटी अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या वो बकर क्या इरादा है कहा कि अल्लाह के रसूल आज तक मैंने इनकार कोई कभी किया नहीं किया मैं कैसे इनकार करूंगा लेकिन आज तक मैंने वादा खिलाफी भी नहीं की मैंने वादा खिलाफी भी नहीं की अगर मुझे मालूम होता आप मेरी बेटी को पूछेंगे मैं पहले किसी के लिए वादा ना करता लेकिन मैं एक और भी कुरैश के नौजवान से वादा कर चुका हूँ आयशा के लिए अब सिद्दीक न कभी वादा तोड़ता है न कभी रसूल के किसी हुक्म को टालता है अब ये कैसे होगा अभी घर नहीं पहुँचे थे बात करके जिससे बात तय हुई थी उसने कहा कि मुझे आयशा पसंद नहीं वो खुद इनकार करती सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह मेरी लाज रख ली तूने मैंने कभी रसूल का कोई हुकुम का इनकार नहीं किया कभी ना वादा खिलाफी की अभी इस वक्त सोच रहा था कि क्या करूं खुद ही क्या है अल्लाह तबारा को वो ताला ने आसमान में इंतज़ाम कर दिया और अपनी बेटी का हाथ अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम के राह में दे दी आपने अपना कुल खानदान निसार कर दिया। ये दियात थी आगे बढ़ के नेकी को कबूल कर लेना खा तुम्हारा जमीर तुम्हारा दिल तुम्हारा नफ्स तुम्हारा जिसम तुम्हारा अंग तुम्हारा एक एक हरकत मुखालिफत पे अड़ा हुआ हो लेकिन शादत यह है कि नेकी आ गई तो कहो कि मुझे इस पे इतमान है ये जन्नती तबका है यह खुशबक तबका है ये वो तबका है जो सीद तबका है इसके सरे फेर इस सरगने और बड़े सबसे अहम अकबर सिद्दीक अकबर है जिन्होंने हमें यह राह बतलाई ने की आ जाए बड़े के कबूल कर लो कभी उसको क्या है नजरअंदाज ना करो के रसूल हिजरत के लिए निकले जैसे ही हुक्म मिला दोपहर का वक्त था थामूमा दोपहर में अरब लोग बाहर नहीं निकला करते उनका एक कल्चर था खैलुल्ला का दोपहर में कोई भी काम अहम हो वो या तो सुबह सवेरे करते हैं या तो असर के बाद करते हैं दोपहर में सोते हैं और यही सिस्टम असल सही भी सिस्टम है इस्लामिक सिस्टम भी यही बाकी रखा अल्लाह ने रात को कम सो तहज्जुद पढ़ो नमाज फ़जर के साथ अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकल जाओ क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़जर के वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत दी गई है जो लोग बिजनेसमैन हैं या जो लोग जॉब करते हैं जो भी है अल्लाह के रसूल ने कहा और दुआएं मांगी अल्लाह इनके दिन के शुरू हिस्से में बरकत दे तो जो लोग सुबह सवेरे निकल के क्या है अपने लिए हाथ से बिजनेस या जो भी शुरू करते हैं आप देखें उन लोगों को अल्लाह फायदा देता है बहुत जल्द आगे आते हैं कि रात को कम सो आखिरी में ज़रूर उठो तहज्जुद पढ़ो नमाज फजर के बाद अपनी माश के लिए निकलो और जो कम सोया है रात के हिस्से में तहज्जुद के लिए उठ के एक घंटा जो वफ़ कर दिया है वो एक घंटा जोहर के बाद सो के बराबर कर लो जोहर के बाद सो जाओ फिर अपनी रूटीन जारी रखो और नमाज ईशा के बाद फिर किसी गलत काम में ना हत्ता के बाद में भी बैठो तो अल्लाह के रसूल ने मना किया सख्त कराहत की ईशा के बाद कोई महफिल जमाना या ईशा के बाद बात करना सिवाय मुनाफा बख्श दीन वगैरह के सिलसिले में इजाज़त है इसके अलावा कोई इजाज़त नहीं है अल्लाह के रसूल ने कहा कि सो जाओ ये सिस्टम है असल में इसी सिस्टम को अल्लाह के रसूल ने फॉलो किया आज तिब भी कहती है कि अगर ये सिस्टम फॉलो कर लिया जाए हज़ारों बीमारियों से बच जाएगी रात के पहले पहर में सो जाना और आखिरी पहर में उठ जाना और सुबह सवेरे मेहनत कर लेना और दोपहर खाने के बाद खैरुल्ला कर लेना ये सिस्टमेटिक ऐसा सिस्टम है पूरी तिबी दुनिया मानती है डॉक्टरी दुनिया मानती है कि इससे बेहतरीन शेड्यूल ज़िंदगी का कोई और नहीं है हमने बर्बाद कर ली ये और बात है लेकिन ये तब्दीली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला तो दोपहर का ज़माना था अल्लाह के रसूल सख्त गर्मी की वजह से चादर ऊपर डाले अपने सर को गर्मी से बचाने के लिए जल्दी जल्दी तेज़ी से आ रहे थे अब वकर ने देख लिया दौड़ के इस्तबाल किया अंदर बिठाए कहा कि अल्लाह के, के रसूल इस वक्त तो आपका आना नहीं है पता नहीं क्या अहम बात हो गई कि आप आ गए फरमाइए गुलाम हाजिर है करने के लिए तो अल्लाह के रसूल ने कि सिद्दीक़ एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट बात करना है इस वजह से आया हूँ ज़रा ग़ैर लोगों को हटा दो तुम्हारे से पर्सनल बात करनी है हज़रत बकर मुस्करा के कहा के रसूल कौन गैर है पूरे घर के अंदर एक मैं हूँ जो आप पे निछावर होना चाहता हूँ एक मेरी बीवी है जो सामने बैठी हुई है अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है एक आपकी बनने वाली बीवी है आयशा सब अपने ही हैं कोई गैर नहीं है कोई इंपॉर्टेंट बात तो यही कीजिए हमारे घर में कोई गैर है ही नहीं आपके लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने कहा कि अच्छा मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है मैं आज रात निकलने वाला हूं सरापाजनके सार बन के हजरत अबू बकर ने पूछा कि अल्लाह के रसूल साथ में जाने की इजाजत मुझे भी मिली या नहीं कहा कि हां यह भी मिल चुकी है कहा कि अल्लाह के रसूल तीन माह से मैं इसी बात में तड़प रहा हूं कि कहीं अल्लाह तबारा व तआला किसी और को न साथी बना दे मैं दुआएं कर रहा हूं और दो ऊटनियां पहले से लाके मैंने एक आदमी के सुपुर्द करके रखी है कि उसको खिला पिला के मोटा करे ताकि हिजरत का हुक्म हो तो एक ऊंटनी में आप सवार हों एक में मैं सवार हूं हम दोनों निकले मेरी दिली तमन्ना है कि इस वक्त मैं आपके साथ रहूं अल्लाह ने आज ये इजाज़त दी थी निछावर करने पे दिल पहले से तैयार था लुटाने पे दिल पहले से तैयार था इसीलिए फरमाया जितना कुछ भी निचावर किया रसूल तुम पर सद्दीक के अंदर एक परसेंट राय के दाने के बराबर भी रियाकारी नहीं थी ये सब कुछ अल्लाह के लिए किया अल्लाह ने गारंटी दी सिद्दीक अकबर के इखलास की अल्लाह ने खुद गारंटी दीबाज सिवाय अल्लाह की रजामंदी के कुछ नहीं था सिद्दीक अकबर के दिल में इसीलिए मैं भी उनको दूंगा ऐसे ही दूंगा जैसे तुम्हें मैं साफ खिताब करके कहा हूं वला सौफ यरदा इतना दूंगा इतना दूंगा इतना दूंगा कि सिद्दीक मेरे से राजी हो जाएगा अब इसमें लुत्फ़ देखिए ये सूरह लैल है और अगला सूरह लोहा है सूरह लोहा है अगला सूरह उससे पहले लैल है लैल के एंडिंग में फरमाया कि बतिगा वो अन करीब मैं इतना दूंगा उनको जी का गायब है गायब में सी गायब ज़रा भी अरबी जानते हैं तो उनको और आसानी हो जाएगी वल सऊरवा यरवा सीगा गायब का है मैं उनको इतना दूंगा इतना दूंगा इतना दूंगा कि वो राजी हो जाएंगे क्यों सिद्दीक पे वही नहीं आ सकती इस वजह से सी गायब का वही लफ्ज़ रसूल सल्हु वसलम पर वही आ रही थी सी मुखातब का बन गया پڑھو والضحا والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تا انت مخاطب رسول بِوَحِي وحی اتر رہی تھی اور رسول پہ وحی اترتی ہے تو خطاب سامنے تھا رسول تو فرمایا ولسوف يعطيك ربك فترضى अल्लाह के रसूल हम आपको इतना देंगे इतना देंगे इतना देंगे आप राजी हो जाएंगे सिद्दीक पे वही नहीं आ सकती थी सिद्दीक़ उम्मती था लेकिन था उम्मती में सबसे ऊंचा तो अल्लाह ने सीगा कर दिया गायब का कहा कि वो यरदा वो राज़ी हो जाएगा मैं उतना दूंगा उनको तुम राजी हो जाएगी तुम्हें इतना दूंगा सिद्दीक को वो राज़ी हो जाएगा मैं उतना दूंगा सिद्दीक को ये दो अशास के अलावा किसी को अल्लाह तबारक व ताल ने कुरान में अलग से जिक्र नहीं किया क्यों सबसे बुलंद मंजिल पे सिद्दीक है जिन्होंने देखा दौड़ के लब्बे का उनके इस्लाम कबूल करने के लिए अल्लाह के रसूल को मिन्नतें नहीं करनी पड़ी समझाना नहीं पड़ा दावत देनी नहीं पड़ी सिर्फ ये कहा सिद्दीक अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है कहा कि अल्लाह के रसूल में ईमान लाता हूं खबर दी ईमान लाया सादत यही है कि नेकी को आगे बढ़ के कबूल करो कि सादत है शकावत क्या है नेकी सामने आ जाए फिर भी रू गर्दानी करके मुंह मोड़ के जाओ ये शकावत है जहनमी है इसकी निशानी है अब इस तनाजुर में अपने आप को टटोलो मुबारक का हिदायत का महीना आया अगर तुम खत्म की रात से अपने आप को खत्म करते हो तो यह शकावत है कहीं अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी हद तक न बढ़ जाए कि जहन्नमी बन जाओ क्यों रहमतें सामने हैं तुम कहते हो कि बस जी मैं थक गया मैं इबादत कर लिया मुझे काफी है यही बस अभी यहां से मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरे जी में आएगा मैं हरामकारी करूँगा मैं दाढ़ी मुड़ाऊंगा औरत कहती है मैं बेपर्दा घूमूंगी मैं डांस करूँगी मैं क्लब को जाऊँगी मैं नाम को देखूँगी घूर घूर के देखूंगी चैटिंग करूँगी फलां करूँगी आशिकी लड़ाऊँगी मर्द कहता है मैं सिगरेट पीऊंगा मैं धुन पे क्या नाचूंगा मैं क्या सिनेमा जाऊंगा मैं बदकारियाँ करूंगा आंखों से जितना हो सकता है उतना जिना करूंगा कानों से जितना हो सकता है उतना जिना करूंगा हाथों से जितना हो सकता है उतना जिना करूँगा जिना करते रहूंगा क्योंकि अब तो रमजान चला गया ना अब शकावत है या शत है अब बड़ा फैसला कर लो निशानी तुम्हारे हाथ में है जो शकी है वो बदबक है जहन्नमी है शकी की निशानी क्या है हिदायत सामने आए मुंह मोड़ जाए जो सईद है नेक वक्त जन्नती है उसकी निशानी क्या है हिदायत सामने आए लपक के पकड़ ले मुसाबका करे भागे कबूल कर ले फौरी तौर पर अभी इन दोनों में से अपनी निशानियां तलाश करो कि कहाँ हैं जैसे हैं वैसे तुम भी अमल करो तुम्हारे लिए खुला हुआ मैदान है लेकिन सोच लो अंजामकार होना क्या है असल में अंजाम कर होना क्या है? यह एक तर्ज अमल है जो मैंने सिर्फ क्या है आपको हिंस दे दिए अब दूसरी तरफ फिर पड़ जाइए सुरह मोमिन 33वां सोरा और ट्वेंटी थ्री नंबर तेईसवा और आयतें हैं सौ से शुरू हो रही हैं वहां क्या होगा अल्लाह कहता है इदा जा मौत जन ये जो शकी होता है जो हिदायत आने के बावजूद भी मानता नहीं शदत को ठुकराता है और ये बात याद रखी है हमारी जिंदगी के ट्वेंटी फोर आवर्स में हज़ारों शदतें हमें आती हैं जो हम ठुकराते हैं गौर रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो निकी के हज़ारों मौा आते हैं हम कहते हैं कि बाद में देखेंगे काम हो रहा है शादत का वक्त आया नमाज़ आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे नहीं चाहिए मैं बिज़ी हूँ तो आप क्या है शकावत का मुजाहरा किया इसी तरह क्या अल्लाह के, अल्ला के दिन का कोई काम आया आपके लिए कोई मौका आया आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं पढ़ नहीं सकता कोई कोर्स आया नहीं भाई मैं नहीं कर सकता कोई गरीब आया नहीं दे सकता नहीं देता मैं ख़ुद ही तुमने इंतखाब किया शकावतों को शादतों से अल्लाह तो तुम्हें देना चाहा और तुम इनकार करते रहे तुम हटते रहे तुम शकी बनते रहे आखिरकार ऐसे ही शकी का जब एंडिंग पॉइंट आता है मरना उस वक्त शकी की हालत क्या होती है ये सुन लो जो हमेशा हिदायतों को ठुकराता रहा तो अल्लाह कहता है हता एदा जा उनमें से किसी के एक के पास मौत आती है और मौत आती है ना वो सख्ती से आती है मौत है ही एक सख्ती अच्छा हो या बुरा मौत ये जिसम से जान का अलग होने का नाम है और ये जिसम से जान जब अलग होती है तो उसकी एक ऐसी तकलीफ है जो बयान नहीं कर सकता कोई भी इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तकलीफ को बर्दाश्त किया अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने जो तकलीफ देखी इस बात से मेरा तो क्या है पुख्ता ईमान हो गया कि कोई मौत की सख्ती से बच नहीं सकता जब रसूल पे आई तो फिर कौन है इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरते वक्त खास कर नज़ा की हालत में वो हालत में जहाँ पर वो रफ़ीक़ आला से मिलने वाले थे अल्लाह के हुजूर पहुँचने वाले थे पसीना आ जाता था सख्त बुखार थी और भाप इतनी थी कि दूर बैठा हुआ इंसान भी तब जाता था जब साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इतनी बुखार है आपको तो कहा कि हाँ मुझे दस आदमियों की बुखार दी गई है क्योंकि मेरा मामला अलग है तो इस वजह से क्या है मेरी तकलीफ भी अलग होती है और अलग के रसूल अलैहि वसल्लम अपना सर पकड़ लेते थे सर दर्द की वजह से आखिरी जमाने में कहते थे वारा सा वासुदा हाय क्या दर्द है सर दर्द हाय मेरा सर सर दर्द की वजह से بخار تبتي ہوئی ہوتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان للموت سکرات ان للموت سکرات ان للموت سکرات یہ موت ہے ہی بڑی سكرات سکرات والی یہ موت ہے ہی بڑی سختی والی یہ رسول کا حال ہے ہما شما کا کیا اعتبار ये तकलीफ तो गुजरना ही गुजरना है पैदा हुआ तो मरना है मरा तो इस पर से गुजरना है इसीलिए हमें में मिलता है सबसे दाना जिनके बारे में हजरत उमर कहा करते थे मैं एक अरब के बद्दू को देखता हूं और मैं देखता हूं कि अमर बिन आस एक बहुत बड़े दाना साहबी थे बहुत अकलमंद तरीन साहबी थे सियासतदान भी थे तो मैं हजरत अमर बिन आस को देखता हूँ और उनकी अकल को देखता हूँ और एक बद्दू को देखता हूँ एक क्या है गाँव वाले को देखता हूँ अरब के तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि दोनों को बनाने वाला एक ही खुदा है यानी इसमें इतनी अकल इसमें अकल ही नहीं दोनों को बनाने वाला एक ही रब है इतने दाना थे हज़रत अमर बिन आस और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये उससे बड़े क्या थे फ़जीलत के अतबार से आगे थे क्योंकि ये पहले इस्लाम कबूल किया बाप ने बाद में इस्लाम कबूल किया ये बड़े अल्लाह वाले सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला बिन आम्रबिन उन्हीं का वाकया है जो मैंने पहले भी बताया था कि सुबह पूरा क्या है दिन पूरा रोज़ा रखते थे रात पूरा तहजद पढ़ते थे यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल को शिकायत पहुँच गई कि ये अपनी बीवी को भी नहीं देखते हैं तब कहीं जाके के अल्लाह के रसूल ने उन्हें डांटा अरे नौजवान तो पर ज़रूरी है कि बीवी का भी हक है तो मैंने पहले ही बताया यही है वो सहाबी जो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये अमर बिन आस के बेटे हैं अमन बिन आस आखिरी में इस्लाम लाए सात हिजरी में और अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस बहुत जल्द इस्लाम लाए लेकिन जब इस्लाम ला लिए दोनों बाप बेटे मिल के रहते थे तो उस वक्त हज़रत अबू बिन आस कहा करते थे कि बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आती लोग मरते हैं और मरते वक्त उनको होश होता है वो क्यों नहीं बयान कर देते कि मौत के वक्त उन पर क्या गुजर रही है ताकि हमें मालूम हो जाए कि गुजरता क्या है इन पर यह बात कई मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने हजरत अमर बिन आस से सुना और आखिरी में वो जमाना भी आ गया जब हजरत अमर बिन आस पर मौत तारी हुई अब बेटा पास में खड़ा हुआ था और बेटा था भी क्या है बड़ा जहीनों अब जब मौत की नजा की कैफियत तारी हुई तो हजरत बिन अम्र बिन आस ने कहा अब्बा जान आप तो हर एक के लिए कहा करते थे कि यह मौत की कैफियत बयान क्यों नहीं करता आज आप उसी कैफियत से गुजर रहे हैं तो आप ही बयान कर दीजिए ना मैं सबक कर लेता हूं मैं पूरी तारीख के लिए क्या है लोगों को मालूम हो जाए कि आखिर मौत होती क्या है अब हजरत अमर बिन आस ने कहा कि बेटा ता ये कैफियत नाकाबिल बयान है जिस पर से मैं गुजर रहा हूं अल्लाह सहा सहाबी रसूल कहा कि जो कैफियत से मैं गुजर रहा हूं यह वाकई नाकाबिल बयान है मैं इतना कह सकता हूं कि अगर किसी इंसान को बिल्कुल फतरीली जमीन पे नंगा करके लेटा दे और उसके बाद उसे किसी जोरदार रस्सी से खींचे तो किस तरह तार तार हो के उसका गोश आएगा वही कैफियत मेरे अंदर महसूस हो रही है कि मेरा अंग अंग टूट रहा है ये नहीं तो मैं इससे बयान कर सकता हूं कि मुझे सीधे पहाड़ रिजवा पे खड़ा कर दिया जाए एक ना, रिजवा नाम का एक पहाड़ था वहां पर वहां पर खड़ा कर दिया जाए और आधा सीधा एक ही बार में आधा करके मुझे नीचे गिराया जाए तो क्या कैफियत होगी वो कैफियत मैं अपने अंदर महसूस करता हूं ये वो अल्फाज हैं जो हजरत बिन आस ने अपने आखिरी दौर में कहा मौत के सिलसिले और साहब ये रसूल है तो मौत ही एक ऐसी चीज है जो अच्छा हो बुरा हो लेकिन इस पर से गुजरना है उसको और वो है सख्त लेकिन अल्लाह वाले बंदों पर अल्लाह इसको आसान करता है लेकिन सख्ती तो सख्ती होती है।, है कितना भी वीआईपी ट्रीटमेंट कर दिया जाए तुम्हें लेकिन जेल तो जेल है ना जेल में आपको वीआईपी ट्रीटमेंट हो तभी भी जेल जेल है आजादी नहीं बन सकती वही हालत है कि आपको अल्लाह तबारा को ताला मोमिन को बहुत आसान कर देता है लेकिन फिर भी मौत मौत है उस पर से तो गुजरना है उस पर से गुजरना इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अक्सर जिक्र हाजिम लोगों कसरत से याद करो अपनी मौत को क्यों ये दुनिया की लज्जतों को तोड़ देने वाली है दुनिया की ऐश परस्ती आराम पसंदी, रब की नाफरमानी गुनाह इन सब के लिए एक तसुर काफ़ी है कि तुम सोते वक्त सोचो कि मैं मरूंगा तो हालत क्या होगी? अंधेरे कमरे में इंसान लाइट ऑफ करके सोने से डरता है उस अंधेरे का क्या हाल होगा जहां पर आसपास कीड़े मकोड़े होंगे और वहां पर तुम्हें कोई और नहीं होगा लाइट तो लाइट कोई रोशनी नहीं होगी और तुम तनहा मिट्टी के अंदर बंद कर दिए जाओगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी इधर कीड़े मकोड़े हैं इधर शाम बिच्छू हैं रात का मौका है इंसान दफन करके आता है कितने लोग रात को दफन होते हैं दफन करते वक्त ही वहां पर क्या है कीड़े मकोड़े फिर रहे होते हैं देख के कोई बंदा क्या नहीं करता हाँ मैं मेरे अब्बा को दफना वहां कीड़े मकोड़े ही बोल के आता वापस नहीं दफना था दफना था देखता अब जरा तस्वर करो जिंदगी की इस हालत में आप एक मिनट के लिए कबूल करेंगे कि आपको ये कीड़े मकोड़े की बिल्कुल बंद जगह जहाँ पर तुम क्या ना हरकत कर सकते हो ना आपको आपके इनसे से ज़्यादा जगह मिल सकती है बराबर आप पाँच फिट हैं बराबर आप छः फिट हैं तो उतनी ही खबर खोद के आपको दफ़नाया ऐसे ही किसी कमरे में आपको डाल के बंद कर दिया जाए तो हालत तुम्हारी क्या होगी एक दिन के अंदर अंदर तुम गुनाह फिर भी करने का सोचोगे अब उसी हालत पे तो तुम्हें क्या है साल हा साल पड़े रहना है ना वहाँ पर तुम्हें कोई ने हाल है न कोई तुम्हारे साथ बात करने के लिए है ना तुम्हारी दिल बहलाने के लिए कोई है ना कोई तुम्हारा साथी है न तो ये तुम्हारे लिए गम खुसार है सिर्फ़ एक है तुम्हारा आमाल जो तुम्हारे साथ चिमटा हुआ रहेगा अच्छा होगा तो अच्छा बुरा होगा तो वो खुद एक भयानक नाक सूरत में बदबूदार लिबास में आएगा बंदा पूछेगा ये कौन गारा तो पहले से ही मैं परेशान हूं तू कौन है कहेगा कि क्यों डरता है ये तेरा अमल है जो कुछ तू करता था ना आज साथ में हूं तेरे साथ जो सियाहकारियां तू करता था ना उसी को अल्लाह ने शक्ल दे दी है ये जो बदबू उठ रही है ना वो तेरे गुनाहों की बदबू है मैं अब तेरे ही साथ रहने वाला हूं मैं कहीं जा नहीं सकता दुनिया में भी साथ था यहां भी तेरे ही साथ रहू अब ये तसवर करके फिर कोई डांस के भी तसवर करो मज़ा आएगा कुछ ये तसर करके कोई सिनेमा का भी तसवर करो मज़ा आएगा कुछ इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा मौत को कसरत से याद करो ये या लज्जतों को तोड़ देने वाली मरना है हड्डी हड्डी अलग होना है जिसम जिस्मार तार तार अलग हो जाना है खोपड़ी अलग होनी है आंखों में हल्के पड़ जाने अंगलियाँ अलग पूरपुर अलग जिसम अलग धड़ अलग अब उसके ऊपर गजा किसकी जहरीले जानवरों के की, कीड़े मखोड़ों की सांपों बिच्छुओं की गजा हम बनने वाले कौन खाएगा हमारे जिसमों को दीमक खाती है या सांप बिच्छू हैं वो खाते हैं यही तो जिस जिस्म के लिए तुमने क्या है बहुत खूबसूरती का नारा लगाया था जिसको संवारते संवारते ब्यूटी पार्लरों में क्या है औरतों ने हजारों के खर्चे उड़ा दिए थे ज़रा सोचो तो ये जिस्म असल में कहाँ जाके एंड होने वाला है किस पे तुर रहा है किस पे खूबसूरती का दबाव है किसे झांसा दे रही हो खूबसूरत से खूबसूरत मर्द हो या खूबसूरत से खूबसूरत औरत हो मिट्टी ही खाने वाली है उसको इसके अलावा कोई और चीज जिन जिस्मों पे तुम हमेशा इतर छिड़का करते थे उन जिस्मों पे असल में कफन रह जाएगा तो मिट्टी का कफन रह जाएगा जो कभी धूप में नहीं निकलते थे ये शिकारों में फिरते थे उनको तपती हुई धूप ही उनके खबर को पढ़-पढ़ के तड़ख कर देगी तड़खा देगी जाओ जाके देखो कब्रस्तान में कितनी खबरें तड़की हुई पड़ी हुई जिनको बारिशों में क्या है खादिम अपनी छतरी लेके क्या है उन्हीं बारिशों से महफूज करते थे जाओ देखो बारिश के जमाने में किस तरह खबरों के अंदर पानी जा, जा के जा जा के कब्रें उबर के बाहर उबल के पड़ी हुई है फिर किस पे नाज है इस फनाइयत पे कोई नाश करता है तो दीवाना है बदबخت है से कोई कुछ नहीं मिलने वाला मौत तो हर चीज को ख़त्म कर देने वाली तो अल्लाह कहता है ये तो मौत मौत है लेकिन मौत फिर वो शकी को जब आती है ना वो अभी ज़्यादा भयानक नाक हो जाती है अल्लाह के नाफरमान दुश्मन को जब आती है ना बावजूद वो इस्लाह ले सकता था बावजूद वो अच्छा बन सकता था बावजूद वो सुन के सुधर सकता था अल्लाह ने उसे मौका दिया फिर भी नहीं माना ना उसको जब मौत आती है ना वो बड़ी ही दर्दनाक मौत बन जाती है अल्लाह की कसम याद रखो मुसलमानों यहाँ आए सुने चले गए बस जिंदगी का एक उठान मत समझो सुन लिया तो जिम्मेदारी है अब आपके लिए खुली हुई रोशन दलील है हराम क्या हलाल क्या इसके बावजूद भी मनमानी करोगे तो याद रखो ये फिर शकावत में आएगा और शकी की जब मौत आती है ना उसको पूरा किरदार अल्लाह ने सुन मोमिनी में खींच के रखा हत्ता इदा जब उसको मौत आती है वो कहता है अल्लाह एक बार भेज मैं अच्छा बन के दिखा देता काफिर थोड़ी कहेगा ये काफिर तो नहीं कहेगा ना वो तो जहन्नमी है ये वही कहेंगे जो सामने आई हिदायत फिर भी ठुकरा दिया मुनाफिक जैसे मुसलमान गुनहगार मुसलमान उनको आंखें उस वक्त खुलेंगी तो उसी वो कहेगा रबिर अल्लाह वापस लौटा दे एक चांस मैं जान लिया बड़ी सख्त है मौत ये अब इसके बाद और सख्ती है रबिर जन वापस भेज मुझे क्यों भेज क्यों भेज अब मुझे सिनेमा देखना है फिर अब मुझे डांस देखनी है अब मुझे फहाशी और करनी है अब मुझे बातें बगारनी है नहीं ला साल हनफीमा तरक्तुकल्ला, अब मुझे अच्छा अमल करना है अब अकल आ गई मुझे इस वजह से भेज अरे यही तो हम कहते हैं मौत के वक्त जो तरसते हो अल्लाह ने उससे पहले आंखें खोल दी तो क्यों नहीं बढ़ के ले लेते आदत को क्यों नहीं बढ़ के ले लेते रहमत को और अच्छे बन जाते अगर न बनोगे तो मौत के वक्त तरसोगे जबकि कुछ नहीं हो सकता अब बनोगे तो तुम्हारा एक आंसू बस काफ़ी है अल्लाह पूरे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है एक आंसू लेके नहीं बल्कि सिर्फ क्या है इखलास से नीयत से कहो कि अल्लाह जो कुछ भी हुआ मैं तोबा करता हूं अल्लाह मैं अब अपनी अच्छी जिंदगी तेरी इतात में गुजारूंगा तो एक अस्त अल्लाह के नाते अल्लाह कहता है कि समंदर के झाक के उतने तुम्हारे गुनाओं में माफ कर देता हूं बस गफर तो लगा फला उबाली और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कितने गुना लेके आया था मुझे सिर्फ इत परवाह है कि तूने अस्तख कह दिया बस तो गुना क्या लेके आया था इसकी कोई परवाह नहीं मुझे मुझे जो परवाह है वो क्या है तूने जो अस्तक फिर बोला इसको मैंने कबूल कर लिया हदीस में आता है कोई बंदा अस्तक फिर तीन मरतबा पढ़ता है इखलास के साथ जानता है कि वो क्या कह रहा है अल्लाह मैं गुनाहों से तोबा करता हूं और तेरी तरफ तोबा करके तेरी तरफ आता हूं जो भी हो चुका हो चुका अल्लाह की कसम खा के देखता हूं अल्लाख बार वो जिना करे लाख बार वो शराब पिए हो फिर ये तीन मरतबा कह दे पूरे इखलास के साथ तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो अगर पूरी दुनिया के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह उसको मां के पेट से जिस तरह निकलता है उस तरह उसे पाक साफ कर देता है एक काफी है लेकिन मौत के वक्त तरसोगे, लाख बार भी बोलो वापस भेज अच्छा अमल कर तू अल्लाह कहेगा नहीं कल्ला हरगिज नहीं कली मत हुआ हुआ, एक तेरी बकवास है जो कह रहा है ये होने की नहीं है बोलते जा तो भेज भेज लाख मरतबा भी बोल मैं तुझे भेजने वाला नहीं तेरा एक कलीमा है बस ये जो तू कह रहे जा रहा है मेरी बात नहीं बदलती मैं तुझे भेजने वाला नहीं हिम बरजुन इलाय अब तुझे पड़ा रहना है बरजक में जब तक कि के कियामत के दिन मैं ना तुझे दूसरे मरतबा उठाऊ अब ये बरजक है क्या क्या है बरज़ख ही वो गढ़ा है जहाँ पर गुनहगारों को सांपों और बिच्छुओं से ढसाया जाएगा। हाँ अल्लाह के रसूल में फरमाया कि कब्र इंसान के लिए या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है नेक इंसान आ गया तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है जहां जन्नत की हवाएं आएंगी नहीं तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है जहां जहन्नम की लू आएगी बासबत बख्त बोलते कि कब्र का आजाब कुरान से साबित नहीं है जाहिल है क्यों नहीं साबित है पूरे ऐलान के साथ अल्लाह तबारा व तआला सूरह मोमिन में कहता है जिसे सुरह गाफिर भी कहते हैं आज भी कबर का आजाब हो रहा है आले फिर को और कुरान कहता है النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب आज भी फिरौन और उसके लश्कर वालों को आग पर पेश किया जा रहा है सुबह शाम ये अजियत दी जा रही है उन्हें फिर आउन की मम्मी तो क्या है इस्तुल के म्यूजियम में रखी हुई है आप कहेंगे फिर अजाब कबर होता कहाँ है हो रहा है उसकी रूह को बाकायदा अल्लाह कह रहा है आज रात दिन उसको क्या है जहन्नम के अजाब और जहन्नम की आग पे पेश हो रहा है वो और जब बड़ी क़ियामत कायम होगी असल क़ियामत कायम होगी फरमाया जाएगा अद खिलू अला फिरउन अशद के अब सबसे ज्यादा शदीद तरीन अजाब में आल फिर को जहन्नम में दाखिल कर दो तो अब सुबह शाम जो पेश किया जा रहा है अब पेश किया जा रहा है कयामत होगी तो उस वक्त अल्लाह कहेगा कि आले फ़िरउन को उठा के जहन्नम में डालो ये बरजख वो बरज़ है अल्लाह के रसूल एक मरतबा बरा इबन आजिब की रिवायत एक सहाबी को कब्रस्तान में दफनाने के लिए पहुँचे अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी क्योंकि इस ज़माने में ये रिवाज तो नहीं था कि पहले कब्र तैयार हो जाती उस वक्त जो भी करते सहाबा करते तो उनकी कब्र अभी तैयार हो रही थी कि यहाँ तक कि जनाजा पहुँच गया कब्रस्तान्ला के रसूल ने इंतज़ार में बैठ गए हाथ में छोटी सी लकड़ी थी उस लकड़ी से कभी गमगीन होते ना अल्लाह के रसूल सर झुकाए यूँ लकड़ी से लखीरें खींचते। इस बात की अलामत होती थी कि हबीब आज ज़रा गमगीन है। खबरस्तान का माहौल था और साहब रसूल को दफनाने की कैफियत थी तो अल्लाह के रसूल उस लकड़ी से क्या है खींचते हुए यूं सर झुका के बैठ गए साहबा इर्द गिर्द बैठ गए फिर सर उठाया तो मगमूम हालत थी कहा साहबा से पता है तुम्हें ये मरने के बाद रूहों का क्या हाल होता है कहा कि अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब मोमिन बंदा मरता है जब नज़ा की कैफियत शुरू होती है जब मौत के फरिश्ते को देख लेता है तो वो आता है इतला देता है तो वो अपने आमाल पे खुश होता है वो कहता है कि मैं तैयार हूँ मैं आने के लिए तैयार हूँ तो फरिश्ते उसके इस्तबाल में हद निगाह तक बैठ जाते हैं खुशबू लिए है हुए महक और आखिरी में मलकुल मौत अपनी टीम के साथ आते हैं और वो आते हैं उनकी रूह को निकालते हैं रसूल कहते हैं कि जिस तरह तुम किसी चीज़ में से अपनी बाल को निकाल लेते हो कोई बड़ी तकलीफ़ के बग़ैर तुम किस तरह निकाल लेते उसी तरह उनकी रूह उनके जिस्म से जुदा हो जाती है बग़ैर कोई ख़ास तकलीफ़ के और जैसे ही रूह निकलती है मलकुल मौत जन्नत का कफन ले आते हैं जन्नत का कपड़ा जो खुशबुओं से महक रहा होता है उसमें उस रूह को लपेटते हैं और इतर भी जन्नत का छिड़कते हैं और एक मिनट एक लम्हे के वक्फे के अंदर अंदर वो एक फरिश्ते से दूसरे फरिश्ते दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे चौथे से पांचवें यहाँ तक के आसमान पे पहुँच जाती है फिर आसमान का दरवाज़ा खटखटाया जाता है पूछा जाता है कौन कहा जाता है कि सबसे अच्छा नाम जो दुनिया में उसका होता है उस नाम से पुकारते हुए कहते हैं कि फलां की रूह हम लाए हैं तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं मरहबा मरहबा और खुशबू बिखेरती हुई ये एक आसमान दो आसमान तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवें तक पहुंच जाती जहां तक कि अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाती अल्लाह तआला कहता है खुश अल्लाह की मुलाकात तो नेक रूह होती है तो खुश हो जाती है अल्लाह तबारा व तआला कहता है लेकिन मेरा वादा है मिन्हा खलकनाकुम وفيها نعيدكم व نخرجكم تارة कुम उखरा मैंने तुम्हें मिट्टी ही से बनाया और वहीं लौटाऊंगा वहीं से तुम्हें उठाऊँगा तो पूरे इज्जत और अहतराम के साथ उस रूह को फिर उसके कब्र में डाल दिया जाता है यहाँ तक के फरिश्ते मुनकर नकीर उन्हें उठा के बैठाते हैं जब दफन करके लोग जाते हैं तो मैयत उनके कब्रों की उनके चलते हुए चप्पलों की आहिट सुनती है चाप सुनती है उस वक्त मुनकर नकीर उस मैयत को उठा के बैठाते हैं और ऐसे वक्त में वो पूछते हैं रब्बुक मा दीनुक मन नबीयुक तेरा रब कौन है तेरा दीन क्या है तेरा नबी कौन है तो मैयत अगर सालेह हो नेक आमाल करने वाली हो खा वो अरबी जानती हो या नहीं सीधा जवाब देगी अल्लाह है मेरा रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे रसूल मेरा दीन इस्लाम है तो फिर इसके बाद उससे पूछा जाता है तुझे ये बातें कैसे मालूम हुई ये चौथा सवाल है आम तौर पर हमारे यहाँ ज़िक्र होता है तीन सवाल होंगे तीन सवाल होंगे क्यों तीन सवाल का नारा लगाया जाता है चौथे सवाल में ये येमा ऐसु जितने झटके देते हैं बिगाड़ करते हैं वो पूरा इसके अंदर है इस वजह से चौथा सवाल का जिक्र नहीं होता हालांकि बुखारी के रिवायत में क्या है खास तौर पर चीज मस्कूर है तीन सवाल नहीं होते मुर्दे से चार सवाल होते चारवें सवाल में इनकी पूरी घुग्गी बंद हो जाएगी जब ये बयान करेंगे इनके पेट नहीं भरेंगे इनके जेब नहीं भरेंगे ये मालूम है इस वजह से चारवें सवाल को टच नहीं करते जब भी बयान करते तीन सवाल बोल देते तीन नहीं चार सवाल होंगे जिसमें तुम्हारे लिए क्या है आंखें खुलने के लिए पूरे राज मौजूद हैं पूछा जाएगा ये तीन सवाल का जो जवाब तूने दिया है वो तुझे मालूम कैसे हुआ ये चारवा सवाल है वो बंदा बोलेगा मैं कुरान पढ़ता था हाँ ये नहीं बोलता मुल्ला क्यों नहीं बोलता कुरान नको पढ़ो बोलता ना उन्हें तो कैसा बोलेगा? तो मेरे पास ना हो बोलता क्या होना है तो मसला मेरे जेब भर ले करो मेरा पेट भर ले करो ना बोलता वो कैसा बोलेगा अगर मसला ऐसा ही होता तो वहां मुर्दा जवाब देता मेरे पीर साहब बोले बोलता ना मेरे बड़े बोले मैं हनफी था बोलता ना नहीं वो बोलेगा मैं कुरान पढ़ता था मुझे कुरान से मालूम हुआ ये चौथा सवाल है अब अल्लाह के लिए दिल पे हाथ रख के सोचो जो कुरान पढ़ा ही नहीं कभी वहाँ जवाब आएगा वहाँ आएगा तो पीर साहब का जवाब आएगा ये नहीं आएगा क्योंकि वो कुरान पढ़ा ही नहीं ना जब फरिश्ता यह पूछे कि तुझे मालूम कैसे हुआ तो जवाब क्या है तुम्हारे पास जो कुरान नहीं पढ़ते बोलो ना मैं यहां वहां की नहीं हाक रहा हूं बुखारी की रिवायत के अंदर मौजूद है चारवें सवाल को गोल कर दिया गुम कर दिया हमने ताकि आवाम होशियार ना हो उसे सुलाया रखो मत पढ़ बेटा वो सब बड़े लोगों की चीज है सत्रह उलूम होना कहते कुरान पढ़ने के वास्ते वो सब तुम्हारे हाथ से होंगे नहीं तुम्हें पढ़े तो गुमराह हो जाएंगे वो हमारे से पूछो हमें बोलेंगे ट्रांसलेट हो ले को इतना वक्फ हो ले को इतना काम जो कुरान पे हो रहा तफासिर लिख रहे हैं वो सब किसके वास्ते तब उलमा को तो अरब भी आती उन्होंने पढ़ लेते हैं लाखों के रुपये खर्च करके तफासिर कुरान के तर्जुमे हर लैंग्वेज में जो हो रही वो कौन से उलमा के लिए हो रही अगर उलमा के लिए कुरान है तो फिर ट्रांसलेट क्यों करते क्यों तफसीरें लिखी जिन जिन को तुम मानते हो तुम्हारे बड़ों ने क्यों लिखी मालूम हुआ ये उलमा का नहीं ये अवाम का है ये घपला करते हैं तुम्हें धोखा देते हैं फिर इसके बाद आमाल पे आएगा मसला नमाज रोज़ा हज ज़क़ात, उस हैसियत से कोई अजियत कोई खामी कोई टॉर्चर वहां से शुरू होगा बाएं तरफ से आएगा दाएं तरफ से आएगा आज़ाब की एक शक्ल तो फौरी तौर पर आपके अमाल सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी नमाज आके खड़े हो जाएगी नहीं इसको कुछ नहीं कहना ये नमाजी था रोज़ा आके खड़े हो जाएगा नहीं इसको कुछ नहीं कहना यह रोज़ेदार था तुम्हारा कुरान की तिलावत आके खड़ी हो जाएगी वो कहेगा कि नहीं ये रातों में सुर मुल्क पढ़ के सोता था इसे कुछ न कहना तो चोरों तरफ से घिराव हो जाएगा फिर इसके बाद उसके लिए क्या है जहन्नम की ये खिड़की खोली जाएगी बताया जाएगा देख असल में तेरा ठिकाना ये था लेकिन तूने अपने आमाल नेक साले कर लिए कुरान पढ़ के तू ने जवाब जान लिया तो फिर जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और कहेगा देख ये है तेरा ठिकाना लेकिन अब नहीं मिलेगामत के दिन तुझे ये ठिकाना मिल जाएगा तब तक के लिए तो आराम से रह सोता और सुत के तेरे लिए जन्नत का लिबास और जन्नत का बेड आराम से सोता रह तब तक खुशबुओं में बसेरा कर तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि बंदे मोमिन जब यह सुनेगा तो कहेगा कि अल्लाह जल्दी क़्यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने ठिकाने तक पहुँच जाऊँ ये मोमिन फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसी रिवायत में बरा इबन आजिब वो अम्मल काफिर मुनाफिक अगर कोई मुनाफिक और कोई काफिर की रूह कब्ज़ करने पर जब आते हैं देखिए दोनों को मिला दिया काफिर कुफर से कुफर करता है और मुनाफिक भी एक तरह का काफिर ही है जो नाम का मुसलमान है नाम के मुसलमान को मुनाफिक कहते हैं नमाज रोज़ा हज ज़ात कुछ नहीं राशन कार्ड का मुसलमान राशन कार्ड का मुसलमान अल्लाह के पास मुनकर नकीर के पास तुम कॉपी लेके नहीं जा सकते देखो वहां पर मैं मुसलमान था तुम्हारे आमाल तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मौका होता है कि सबसे ज्यादा करخت, काले किस्म के दियानक नाक किस्म के फरिश्ते पहले आते हैं जिससे वो डर जाता है कहा क्या हो रहा है कहा कि तेरी रूह को निकालने आए हैं तेरी रूह को निकालने आए तो वो कहता है कि अल्कासलम माकुन्ना ना अमल मनसू वो जब जिस्म का दायरा होता है ना उसके अंदर वो भागने लगता है इधर उधर मुझे मत पकड़ो मुझे मत पकड़ो मुझे ना निकालो इधर उधर छुपने की कोशिश करता है हती के अल्ला के रसूल वसल्लम कहते हैं कि किसी खारदार झाड़ी पे तुम कपड़ा डालो और उसको खींचो तो जिस तरह तार तार होके वो अलग अलग हो के आती है उसी तरह उसके रगों से जान निकलते हुए कट कट के निकलती है जिसकी अजियत वो मुर्दा सहता है और यूं निकल के जब बाहर आती है ना तो मलकुल मौत भी आ जाते हैं अपने टीम के साथ वही भयानक नाक सूरत में कि देख क्यों इंसान डर जाए और बदबू ऐसी होती है रूह निकालते वक्त उसकी बदबू आप तस्वूर भी नहीं कर सकते और जहन्नम का तारकोल का लिबास ले आते हैं और जहन्नम की बदबू ले आते हैं उसमें उसको लपेटते हैं उसकी रूह को और ऊपर से उसे क्या है वही छिड़कते हैं और उसके बाद वो आसमानों के ऊपर तक पहुंचना शुरू हो जाती है एक फरिश्ते थे दूसरे फरिश्ते यहां तक के आसमान पर पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाया जाता है पूछा जाता है कौन बदतरीन जो नाम दुनिया में उसका होता था उस नाम को लेके फरिश्ते कहते हैं इस बदबक की रूह ले आते आया हूं तो आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे हमें बदबख्तों की रूहों के लिए दरवाजा खोलने का हुक्म नहीं मिला है फिर अल्लाह के रसूल ने सूरह आराफ की आयत पढ़ी अगर तुम इस बात को जानना चाहो हवाला दिया खुद अल्लाह के रसूल ने इस आयत को पढ़ के देखो ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात उनके लिए जन्नत के दरवाजे आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे यहां तक कि सुई के नाखे में ऊंट चला जाए कभी होगा ये महाविरा है यानी कभी नहीं जाएंगे ये बोलने के लिए अल्लाह कहता है कि हता यलीजल जमन खियात सुई के नाखे में सुई सुई के नाखे में जो तागा पुराते हैं ना उसमें ऊंट जाएगा कभी ऊंट जब ऐसा होगा तो वो लोग भी निकल सकेंगे यानी बोलने का मतलब क्या कभी नहीं निकलेंगे फिर इसके बाद अल्लाह कहता है ये बदबकरीन रूह को मेरे पास तो आना नहीं है आसमान से ऊपर फेंको इसको उस बुलंदी से फेंका जाता है ऊपर से फिर अल्लाह के रसूल ने यह आयत पढ़ के बतलाई अगर दलील चाहते हो तो यह आयत पढ़ लो सुरह हज की ओमन युशरिक बिल्लाही फका अन्नमा खर्र मिनस समा फतखतफहु अत-तैर औ तहवी बिहि अर-रीह जो भी अल्लाह के साथ शिरक करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको आसमान से उठा के दे मारता है खर्र मिनस समा फतखतफहु अत ताकि परिंदे उसकी रूह को उचक ले जाएं औ अवहवी बिहिर री हफी मकान शहीक या किसी दूर दराज मुकाम पर जे जाके उसको पटक दे कोई इज्जत नहीं तस्वर करो प्लेन से किसी को उतरना पड़ जाए तो क्या हाल होगा उसका पैराशूट हो तो भी हाँ ये उससे ज्यादा बुलंदी पे होगा उस वक्त वो वहां से उसको फेंका जाएगा और पूरी जिल्लत के साथ फेंका जाएगा यहां तक कि वो मुर्दा जो यहां दफन हुआ था उसकी रूह वहां आके बैठेगी फिर मुनकर नकीर आएंगे बड़े करख्त अंदाज में देखते ही हैबत्तारी हो जाए, और उठा के यूं बिठाएंगे उसको बैठ मर्रब अदीनुक मन वो कहेगा हाय हाथ हाय हाथ हाय हाथ हाय हाथ लादरी हाय अफसोस हाय अफसोस मुझ पर हाय अफसोस मैं नहीं जानता वो कहेगा अब ये सवाल कभी बहुत अहम हिस्सा है जिसको आम जिक्र नहीं करते सिर्फ इतना नहीं कहेगा मैं नहीं जानता वो कहेगा अकुलनासमायक अकुलनासमायक लोग जो कहते थे वही मैं भी कह दिया क्या कहेगा लोग जो कहते थे वही मैं भी कह दिया बस बड़े बूढ़े जो बोल के चले गए थे उसी पे जिंदगी गुजार दी मैंने कुरान नहीं पढ़ा रिवायती जिंदगी मुसलमानियत बाबा क्या बोल के दरगाह हो गए उन्होंने भी दरगाह को जिंदगी गुजार को मर गए न कभी जाना ना कोशिश की वही बिजनेस में गए उनको पाँच हजार में इन्हें पांच करोड़ बना लिया उसमें मेहनत करा बराबर दीन में कोई मेहनत नहीं किया तो इसीलिए वहां ये कहेगा बंदा जो कहा जाता था वही मैं भी कह दिया मुझे पता नहीं सही हासिल का है क्या कर नकीर जवाब देंगे लादरईत वा तलईत ये बदबक तू ने जाना ना तिलावत की कुरान की अब जानो कुरान की तिलावत सबसे पहले पूछी जाएगी तुम्हें अजाब कबर के पास कबर में दफन होते ही मुसलमानों इससे छुटकारा नहीं कितने जिनकी मादरी जबान अंग्रेजी नहीं जो 25 साल 30 साल की उम्र में फरफर बात करते हैं सिर्फ 50 साठ हजार की नौकरी के लिए तुम ये कर सकते हो रबुल आलमीन का कलाम नहीं पढ़ सकते किस नाते में फिर मुसलमान हो पहला सवाल ही यही होगा कबर में कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा ना ला दराई वाला तलईत तू ना तर्जुमा जाना तू ने कुरू से ही है, तुझे कुरान पढ़ना भी नहीं आता था ना उसका मफहूम तूने समझा फिर के रसूल कहते हैं ये कह के वो हथोड़ा उठाएंगे लोहे का और उससे उसके सर पे मारेंगे सत्तर गज नीचे अंदर चला जाएगा और ऐसी चीख चीखेगा कि वो सिवाय इंसान और जिन के अलावा पूरी मखलूक का इनात की सुनती है और मैं दुआ करता कि अल्लाह इंसान को भी सुना दे तो वो इंसानों को भी सुनाई देती लेकिन मुझे डर हुआ कि ये अजाब कब्र की तकलीफ सुन के कहीं तुम लोग मुर्दों को दफनाना ना छोड़ दो चौपायों को महसूस होता है आप देखें कभी कभी बैल रो रहा होता है कब्रस्तान के करीब से गुजरें आप देखें जारों मारे अचानक उड़ के भाग जाते हैं उनको महसूस होता है उनको दिखाई देता है अजाब खबर अल्लाह तबारा इंसान और जिनको महफूज रखा है उससे और अल्लाह के रसूल दुआ कर देते वो भी हमें सुनाई देता लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा इस वजह से मैंने दुआ नहीं की कि कल के दिन तुम मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दो इस वजह से मैंने दुआ नहीं वरना तुम्हें भी सुनाई देता सत्तर गज नीचे जाके फिर आएगा तो फिर हाथोड़ा पड़ेगा उसमें और कहा जाएगा ला दलई तवला तूने कुरान न पढ़ा न समझा अपने आप पे रहम करो मुसलमानों मैं ये नहीं कहता कि मुझ पे करो मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम पे करो अपने आप पे करो हमारा ये जिस्म अजाब सहने की हिम्मत नहीं रखता क्यों जुल्म करते हो अपने आप पे गुनाह करके अपने आप पे रहम करो फिर अल्लाह के रसूल वसल्लम कहते हैं कि फिर इसके बाद फरिश्ते उससे जन्नत की खिड़की खोलते हैं बताते हैं कि असल ठिकाना तो तेरा यह था लेकिन याद रख तेरी बद आमाली की वजह से फिर जहन्नम की खिड़की खोलते हैं और कहते हैं कि तेरा ठिकाना ये रख ये देख ये है तेरा ठिकाना लेकिन अब नहीं क़ियामत में तुझे डाला जाएगा फिल वक्त तो क्या है ले जहन्नम का लिबास पहन और जहन्नम की आग की लू ले और अजाब कबर सहता रहे फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वहाँ से एक शख्स बदबूदार, भयानक नाक सूरत में उसके पास आएगा वो कहेगा अल्लाह तुझे गारत करे पहले ही मुसीबत में हूँ तू है कौन वो कहेगा मैं तेरा अमल हूँ जो तू तो करता था ना दुनिया में वही तो हूँ इतने ही सियाह सियाहते तेरे कर जैसे मैं सियाह बन के तेरे पास आया अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा फिर उसके लिए क्या है दायमी अजाब का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि क़ियामत कायम होने तक मुसलसल चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है यह मौत तो आइए फिर आयत की तरफ لعلي أعمل صالحا فيما تركتك الله إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون برزق میں پڑا قيامة تو جب جاي کہ قیامت قائم پھر فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّور پھر قیامت قائم هُوَ جائے گی تو سور يا دیا फलांसाबई नोम ईद वस आलून अब कोई नस्बतें नहीं कोई रिश्तेदारी नहीं कोई बचाने वाला नहीं तुमने कहा के लेके रखे हुए हैं फला आएंगी फला कर देंगी कोई नस्बत काम नहीं फला फलांस नुम नस्ब कोई नहीं होगा वहां अमल बात करेगा वहां तुम्हारा नसब कुछ नहीं होगा كويس سوال تو حال يو هوكا يوم يفر المرء من اخيه و وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شانه يغني بحي بحي سبحي بحي سبحي بحي سبحي اولاد ما باب سبحي शोहर बीवी से भागेगा बीवी शोहर से भागेगी जानते नहीं है इस वजह से नहीं भागेंगे जान के भागेंगे पहचानेंगे लेकिन हालत इतनी संगीन होगी भागेंगे छोड़ के फलान सामन सकूल मवाजिनो फौलाई का होमलमफल अब जिसके नाम आमाल तोले जाएंगे जब हिसाब में मीजान में जिसके पलटे भारी होंगे चलो वो फलाह पा गए मोमिन हैं खुशबख्त हैं शहादतमंद हैं सईद हैं चलो जन्नति हैं फौलाई का होमल होमलमफल आमाल तोले जाएंगे हाँ तुम्हारी बातें नहीं तोली जाएंगी मैं पक्का मुसलमान मैं सच्चा मुसलमान मैं आमाल तो ले जाएंगे और वो आमाल तोलते वक्त तुम्हारे जो बुरे आमाल हैं उससे तुम्हारे अच्छे आमाल वजनदार निकल गए तो मसला हल बस तो अल्लाह ने ये नहीं मांगा कि हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट मार्क लेके आओ अल्लाह ये कहता है कि फिफ्टी वन ले लो फिफ्टी वन बस इतना रहीम है फिफ्टी वन ले लो फोर्टी नाइन लिया जहन ने भी बन गए फिफ्टी लिया तो भी चांस है आराफ वाले बन जाएंगे फिफ्टी फिफ्टी उनका होगा मामला वो इधर भी इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे बीच में खड़े रहेंगे क्योंकि इनके दोनों पलटे बराबर हो जाएंगे सवा उसका अलग वाक्य है गुज्तर रमजान में इसका पूरा खुलासा मैंने दिया है आप देख सकते हैं यूट्यूब में लेकिन मेरे पास अब वक्त नहीं है अल्लाह ने जो पूछा है जन्नत के लिए वो क्या है फिफ्टी वन फमन सकुलत जिसके पलटे भारी हो जाएंगे किससे भारी होंगे बुरे आमाल से नेक आमाल झुक जाए चलो जी पास हाँ प्लस टू में भी थियोरी पचास बीस और आगो प्रैक्टिकल पचास सत्तर मार्क लेना तुम्हें पता नहीं अब क्या है मैं पढ़ने के समय में फेल ही भाई वैसा भी मुझे मालूम भी नहीं बराबर उन्हें भी सत्तर मार्क मांगता हाँ अल्लाह कहता है फिफ्टी वन ले लो फिफ्टी वन चलो अलटे भारी होना है बस ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون जो 49 लिया ना जिसके पलड़े हल्के हो गए गुनाह का पलड़ा भारी हो गया अच्छाइयों का पलड़ा नीचे 49 हो गया एक मार्क भी नहीं मिलेगा तरसते फिरेंगे एक दे दो ना एक मिलने वाला नहीं है ना वहां पर मिलने का कायनात की पूरे जमीन सोने की भर के ला के रख देता हूँ एक एक मार्क नहीं मिलेगा तो यहाँ बहुत चांस है हजारों का मालो अभी का माल लेकिन तुमने इसको पामाल किया वहाँ एक मार्क से भी जहन्नम चला जाएगा बंदा फोर्टी नाइन खफत मवाजिन हल्के हो जाएंगे फौलाई के लदीन खसरु वो हैं खसारा वाले जो अपने आप में भी खसारे में रह जाएंगे फी जहन्नम खालिदून और जहन्नम में हमेशा हमेशा चले जाएंगे होगा क्या जहन्नम में जाने पर होगा क्या फरमाया तलफहु वजूहहुम अन्नार वहुम फीहा कालिहून तल्फह कहते हैं असल में ये जो होंठ है ना होंठ ये होंठ निकाल देने को कहते हैं तल्फा आप ज़रा ऐनक में क्या करें ये निकाल के खालिद ऐसे ऊपर उठा के अपनी शक्ल देखें कितनी भयानक हो जाती दांत और नीचे के जो मसोड़े हैं वो नज़र आते हैं डायरेक्ट और ये हिस्सा सामने का अल्लाह ने जो कवर करके खूबसूरत बना दिया है चेहरे को अगर ये इस तरह के ऊपर के होन दांत को छुपाने और नीचे के होंठ दांत को छुपाने को अल्लाह नहीं देता कैसे होते हैं कभी कभी कोई भयानक नाक फ़ोटो डालना है तो आदमी इंसान क्या करता खाली जबड़े से डालता शैतान कर शैतान की मुंडी बोलता क्या होता उसे ये नहीं होता क्या भी मसोड़े भी दांत दिखले को रहते नहीं तो क्या है वो करंट के डब्बे को क्या है डेंजर बोल को डालने के वास्ते या नहीं डालता उन्हें उसके दाँतों दिखले को रहते गौर से खड़ को देखो कैसा दिखता बोल को वो तुम्हारी हालत होगी तो क्या होगा ए असल में अरबी में तलफ़ उसे बोलते तलफ़ हो जुहँगों में नार वहों काली हों के उसका चेहरा पूरा झुलस जाएगा और झुलसेगा ऐसा कि वो कालिह बन जाएगा उसका पूरा जबड़े का ऊपर का गोश खा जाएगा क्यों होगा ऐसा अलम तकुन आयती तुतला अलैकुम फकुन तुम बिहातुक जिबू मैंने बताया ना शकावत क्या है हिदायत सामने आने के बावजूद ठुकरा देना ये बड़ी बदबक थी जो आज हम कर रहे हैं हर रमजान हर रमज़ान हमारे साथ यही धोखा होता आ रहा है गोया कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं एक महीना बने उसके बाद खुद बिगाड़ पैदा किया खुद रमजान तो नहीं है ना चलो जो होना करेंगे अब आगे ही देखिए वो बात क्यों ये जहन्नम में गए क्यों ऐसा अजाब पाए ये क्यों इनके चेहरे झुलस गए और एक काले बन गए तो अल्लाह कहता है अलम तुतला इनके पास मेरी आयतें तिलावत की जाती थी लेकिन इन्होंने नहीं माना झुटला दिया इसके पास हिदायत नहीं पहुंची वो मसला ही अलग वो है और अल्लाह है मसला इनका है जिनके पास हिदायत आई चाहते तो अच्छे बन जाते चाहते तो अल्लाह की इतात कर लेते पूरी जिंदगी लेकिन बदबख्ती ऐसी चाही कि इन्होंने खुद जलालत को अपने ऊपर डाल लिया इस वजह से ये अजाब है इनका वरना तो इनको कुरान की आयतें पढ़ के आयते सुनाई जाती थी तीस दिन में आपने कितने आयतें सुनी है कितने नसीहतें सुनी है अब आपके ऊपर है सुधर जाओ कदम जम जाए इरादा पक्का कर लो अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे किसी हालत में इतात करेंगे का मुश्किल क्यों ना हो यह है खुशबख्ती की निशानी जन्नती ग्रोह की निशानी सादत की निशानी नहीं तो होगा क्या शकावत, और शकावत का सबसे बुनियादी पहलू क्या है हिदायत आने के बावजूद ठुकरा देना अल्लाह ने रहमान अपनी रहमत का ये सबसे बड़ा मजहर इधर रखा कि रमजान ले लो जाओ जो भी किए कि मैं माफ करता चाहता हूं जाओ तुम कहते हो कि अल्लाह बस एक महीने के हम मुसलमान हैं उसके अलावा हम अपनी मनमानी करेंगे तेरी माफी हमें नहीं चाहिए तो अल्लाह कहता है नहीं ये यही लोग हैं जिनकी हालत ये होगी अब आ गई वो आयत जिसके लिए मैंने इतनी आयतें पड़ी थी आपके सामने अब इसके बाद जहन्नमी जो पुकार के करेंगे ना दुआ उसमें देखिए खुल के वो बात आ गई जो मैं आपके लिए इशारतन अब से शुरू मजमून से अब तक दे रहा अब कहेंगे जहन्नमी कालू ربنا हमारे रब गलबत अलैना व कुन्ना कौमन वकुन्ना सादत का आपोजिट शिकावत शिकवतना तेरी कोई गलती नहीं तू हमें गुमराह नहीं किया बदबख्ती हम पर छा गई थी कि हम गुमराह हो गए साफ डिक्लेरेशन देखो हिदायत तो सामने आई थी हमको मालूम था बयान में सुना हमने फला हरा मैं मालूम हुआ हमारी बदबख्ती ये थी कि हमने इस पर नहीं चले शिक्वतना वकुन्ना को हमारे ऊपर शकावत बदबख्ती छा गई और हम गुमराह होके रह गए नखरिजना फईन फाला अब भी एक रिक्वेस्ट निकाल दे जहन्नम से हमें हम फिर दोबारा ऐसा करेंगे तो हम वाकई हैं एक मरतबा फिर भेजते वहां चांस मांगे कि यहां चांस खुली हुई है यहां खुली हुई है हर रात आसमान दुनिया पे रब्बुल आलमीन आते हैं पुकार लगाते हैं आओ कौन इस्तार करता है मैं उसकी मफफिरत कर देता हूं कौन मांगता है मैं उसको दे देता हूं आओ, आओ आओ पुकार वहां यह पुकारेंगे अल्लाह एक मरतबा दो, हम अच्छे बन जाए अल्लाह कहेगा कालक सऊफिया वाला तो कल्लिमो बत तो जाओ मैं तुमसे कलाम करना भी नहीं चाहता हटो यहां से इसमें वैसी ही क्या है कराहत है इसके अंदर इस आयत में गोया कि हम किसी क्या है बिल्कुल ही नापसंद चेहरे को देखना ही नहीं चाहते तो क्या बोलते घिगा रहा होता है तो भाई जाओ भाई तुम्हें मैं तुम्हें तुम्हें ना देखना भी नहीं चाहता ये बोल बिल्कुल यही कैफियत है इस आयत जाओ तो तुमसे मैं बात करना नहीं चाहता क्यों सजा क्या है ये हालत क्यों पहुंचे अब ये आयत भी बड़ी अहम है हमारे समझने के लिए इन काना इबादी न ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون کیونکہ جب دنیا میں الله اللہ کے بندے واقعیتاً हमारा एक गुरोह था जो मेरा था ना फरीक मिन इबादी मेरे बंदों में का एक जमात एक फरीक ऐसी थी जो बना आमन न फिर खैरुर खेरहमी जिन्होंने जैसे ही सुना कहा कि हम ईमान लाए हमारे गुनाहों की मकफिरत कर दे तो बड़ा ही मकफिरत करने वाला है और अपनी जिंदगी सुधार दी पलट गए तो जो नए पलटे थे ना मुनाफिक किस्म के मुसलमान वो उनको देख के क्या बोलते थे सख़रिया, मजाक उड़ाते थे मजाक हाउ इतना फिर ली बीस साल पच्चीस साल अब इन्हें बुरखा पहनने को आगे जी क्या बहुत बड़ी अच्छी बुनगी कतें इन्हें नहीं ना उसे टॉर्चर करो कोई दोस्त सदर गया क्या दाढ़ी रख लिया बहुत सुन को समझ लिया कि मलिक में हाँ हमें सब क्या भी नहीं टॉर्चर करो ये असल गुना था उनका दो गुरु आए सुने एक जन्नती एक जहन्नमी बना क्यों बना अल्लाह कहता है आज तुम्हें चांस क्यों नहीं है क्योंकि तुम पहले भी सुने लेकिन सुधरे नहीं एक दूसरा गुरु मेरे बंदों का था जो सुना सुधर गया अब जो सुधरा ना उस गुरु को तुमने मजाक बना लिया उसके लिबास को मजाक उसके आदात को मजाक बंदा में सलात का पाबंद बन गया बंदा दाढ़ी रखना शुरू कर दिया बंदा क्या है केबुल निकाल दिया बंदा बात बात में अल्लाह और इसका रसूल करने लगा क्या आज क्या क्या मुल्ला कह रहे दीवाना गिवाना बुढ़्ढी रू है कह रहे तेरे अंदर ऐसा करता सो जवानी है जोश है हा? जरा कर बाहसाच हो गए ये हमारे औरतों को भी पेश आता मर्दों को भी पेश आता औरतों में अल्लाह वालियाँ बन गई स्काफ ले लिया न ले लिया हो जी बराबर बिल्ली सोचु खा को हसकू गई कहते वही सा पूरा जिंदगी गुजार है चाहे पाँच साल अभी पहन लेते कहते बोरखा, ओ पहन नहीं दे क्या गलती है चाहे सा पाँच साल मालूम नहीं था अब मालूम हुआ पहने, अल्लाह माफ़ करने वाला है तुम्हें कौन सी तंज करने वाले माफी अल्लाह देता है तुम्हें कौन तंज करो बोला मरने के आखिरी लम्बे में भी सुधर गई तो बस है काफी अल्लाह को तंज करने का इख्तियार किसे है ये मुनाफिकीन का है आपको मिल जाएंगे बहुत मिल जाएंगे आप अमल करके दिखाओ घर में आपको हजारों मिल जाएंगे इस कैफियत वाले जो तुम्हारे बात बात को तंज करेंगे मजाक उडाएंगे बात बात को तुम्हें कुरान पढ़ना चाहेंगे तो इन्हों गाने म्यूजिक हाई साउंड से डालेंगे बैठ को हाँ क्या अरे बैठ को अल्लाह वाल बनगा सो क्या कि रमजान में पड़ता परवानी रोज़ कुरान उठा बैठ जाता है सब मिलेंगे यही वो आज़ाब है जिसकी वजह से अल्लाह कहता है यही वो किरदार तुमने किया था मेरे बंदों के साथ जिसकी वजह से आज तुमसे मैं कलाम भी नहीं करूंगा तुम्हें निकालूंगा भी नहीं जहन्नम से काना फरीक इबादी अमन्ना फिर तुमने मजाक बना लिया उन लोगों का जिक्री इतना मजाक उड़ाया इतना मजाक उड़ाया हत्ता के तुम कलामुल्लाह को भी छोड़ दिया भूल गए मेरी बातों को पक्के मुनाफिक बन गए वकुन तुम मिनहुम तल और तुम में से बहुत से लोग सिर्फ मजाक वाले बन गए तुम में से लेकिन ये बंदे तुम्हारे मजाक से नहीं छोड़े अपने अमाल को कायम रहे तो उनकी मदाह में कहता इन जजई तो योम बिमा सबरू इन्होंने सबर किया उस पर इसी का बदला है आज उन्हें हम जन्नत देते हैं जे कामयाब तरीन लोग जन्नत के आला दर्जात में अब ऐसे वक्त जहन्नबियों से अल्लाह सवाल करेगा कम लबिस तुम फिल और अच्छा ये बताओ दुनिया में तुम कितने दिन रहे किसकी वजह से तुमने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली कितने दिन रहे जहन्नमी उस वक्त बिल्कुल आजिज आके कहेगा कालू यौमन यौमन दिन का कुछ हिस्सा रहा यह एक पूरा दिन रहा होगा शायद अगर तुझे यकीन नहीं तो पूछने वाले से पूछ ले बस अली आती वहां सब अकड़ चली जाएगी सालों साल जीने की तमन्ना सब चली जाएगी वहां तो कहेगा अल्लाह मैं एक दिन था एक दिन का कुछ हिस्सा था लबिसना यौमन औ बाद यौमिन फसअलिल आदिन قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون हम बहुत कम रहे अल्लाह अल्लाह हम सबसे इसके बाद अब पूछता है सवाल अफा हसीब तुम अन्नाबसा वो अन्ना लातुर जाओ लोगो क्या मैंने तुमने खेल के लिए बनाया है बेकार बनाया है तुमको क्या समझ के रखे हुए हो जिंदगी में आओ जिंदा रहो मनमानी करो मर जाओ खेल तमाशा है तुम्हारी जिंदगी तुम खुद कोई बेकार काम नहीं करते रबुल आलमीन बेकार काम करेगा हसीब तुम क्या तुमने ये गुमान कर लिया है अन्नमा खलकनाकुम कुमसा कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है वह इलैना ला जाऊन क्या तुम सब एक एक करके मेरे पास नहीं आओगे कहां भाग जाओगे जागो भागो कितना भागना है भागो मेरी पकड़ से नहीं भाग सकते

आज अल्लाह रब्लम है हक़ के साथ ये तुम्हारा अनजाम होगा क्योंकि तुमने सदत को जलालत से शिकावत से ख़ुद तब्दील किया भाइयो ये मज़मून आज के हिसाब से भी बड़ा रिलेटेड है अट्ठाईसवीं रात इंसान समझता है कि रमज़ान ख़त्म हो गया माशा लोग आज भी आए हुए हैं बड़ी खुशी हो रही है दिल को बात समझे मुझे तो सिर्फ़ इतना भी काफ़ी है कि कोई एक बंदा भी बदल जाए तो मैं समझूंगा मेरी जितनी भी चीज़ पुकार थी अल्लाह ने कामयाब कर दी तो ये चीज़ जहन में रखो खाली फ़जाइल फ़जाइल पे क्या है तकिया करके ना बैठ जाओ पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इत में देना यह है मुसलमानियत इस पे कमर हिम्मत बांधो इस पे अल्लाह से वादे करो नहीं हो रहा है तो मांगो ना उसी से अल्लाह नहीं होता है अल्लाह तेरी इतात पर मेरी ज़िंदगी तो ऐसी मोहब्बत दे दे तेरी कि तेरे से हम गुनाह ना कर सकें तेरे रसूल की ऐसी मोहब्बत दे दे कि हम सुन्नत को ठुकरा ना सकें उसी से मांगो ना तुम्हें नहीं आता है ना मांगो उससे दुनिया मांगते हो पैसा मांगते हो दौलत मांगते हो बाद लोग बोलते कई सब शरीत पर चली हुई तुम्हें बोलते से बात आते तो होंगा हाँ हो सकता है तुम्हारे जहन में आए लेकिन मांगो ना उसी से मांगो ना जिससे तुम दुनिया मांगते हो अल्लाह तेरी शरीयत हमारे लिए मुश्किल हो गई हम पे आसान करते ऐसी मोहब्बत दे तेरे और इस्लाम के तेरे रसूल की कि हमें इस्लाम पर चलना आसान हो जाए मांगो उससे तुम लाख चीज़ें मांगो और अल्लाह चाहे तो दे अल्लाह चाहे तो ना दे उसका इख्तियार है लेकिन एक बात की गारंटी है एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम मांगो तो अल्लाह का वादा है मैं जरूर देता हूँ वो है हिदायत क्योंकि अल्लाह जो हिदायत चाहता है उसको गुमराह नहीं करता अल्लाह का उसूल है अब कोई बंदा है कहता है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे हिदायत पे कायम रख दे तो फिर ये दुआ जरूर कबूल होनी है लाख दुआएं तुम करो चाहो तो माफ कबूल करेगा चाहे तो इनकार कर देगा लेकिन ये हिदायत की दुआ अल्लाह अपने जिम्मे लिया है मैं किसी को जो हिदायत चाहता है उसको गुमराह नहीं करता ममायउल्लुब हीफाशी मैं उन्हीं को गुमराह करता हूँ जो चाहते भी गुमराह ही हैं फासि है. तो आज की रात हिदायत मांग लो अल्लाह से क्या गिड़ गिड़ाओ मुझे मुश्किल हो रही शरीयत लेकिन तू आसान बनाते बस अल्लाह कबूल कर ले और दे दे तो फिर तो तुम्हें शरीयत पे चलना कोई मुश्किल बात नहीं होगी बल्कि शरीयत के ख़िलाफ़ चलना मुश्किल हो जाएगा नमाज पढ़ने में तुम्हें सुकून होगा कभी तुम्हारे काम की वजह से एक नमाज भी छूट गई ना परेशान हो जाओगे तुम इधर उधर फिरोगे कि जगह कहाँ मिले पहले मैं नमाज अदा कर दो ये कैफियत हो जाएगी तुम्हारी तो इसके लिए मांगो जैसे दौलत मांगते हो दुनिया मांगते हो मांगोगे नामदी कशद